Hello students, welcome to BBVN online classes. So students, today I am going to start the new chapter, that is chapter 19, Spirit of Adventure. Chapter 19, Spirit of Adventure, आज हम पढ़ेंगे. So take out your EVS book and start reading with me. Spirit का meaning होता है जोश. Of adventure, spirit of adventure. Adventure बोलते हैं साहसिक कार्य. Okay? तो जोश किस बात का? साहसिक कार्य का. जब हम कोई भी साहसिक कार्य करते हैं, पूरा उसमें साहस लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं एडवेंचर. ओके, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, जोश किसका? साहसिक कार्य करने का. सो लेट्स स्टार्ट ऑन टुडेज चैप्टर. फर्स्ट पैराग्राफ देखिए. सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ एडवेंचर्स. कुछ लोगों को साहसिक कार्य करने का बहुत ज़्यादा उनको फॉन्ड होता है, शौक होता है. ओके, एफ ओ एन डी, फॉन्ड का मीनिंग होता है शौक होना. सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ एडवेंचर. कुछ लोगों को साहसिक कार्य करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, फॉन्ड होता है. दे ट्रेवल टू हाई माउंटेन्स, डिस्टेंट लैंड्स, क्रॉस द रफ सीज एंड डिस्कवर डेंजरस जंगल्स. जिन लोगों को साहसिक कार्य, एडवेंचर का शौक होता है, साहसिक कार्य का फॉन्ड होता है, वो लोग क्या करते हैं? ट्रैवल टू हाई माउंटेन्स. वो ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन्स होते हैं उन पे ट्रैवल करते हैं, उनकी यात्रा करते हैं. डिस्टेंस लैंड्स, जो बहुत दूर जो लैंड होती है, मीन्स दूर दूर जो जंगल्स होते हैं, वो ज़मीन जो बहुत ज़्यादा दूर होती है उसको बोलते हैं डिस्टेंट लैंड. ओके, उन जमीन, उन लैंड्स की वो ट्रैवल करते हैं. क्रॉस द रफ सीज, रफ सीज बोलते हैं वो समुद्र जहाँ पर अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है. ओके, उनको बोलते हैं रफ सीज. मौसम ख़राब होता है, ऊंची ऊंची लहरें आती है, बारिश आने लगती है. ओके, उसको बोलते हैं रफ सीज. तो ऐसे मौसम में भी वो समुद्र की यात्रा करते हैं. एंड डिस्कवर डेंजरस जंगल्स, मतलब वो जंगल वो जो बहुत ज़्यादा घने होते हैं. ओके, तो उन जंगल, उनको बोलते हैं डेंजरस जंगल्स. तो खतरनाक जंगल, जंगल के अंदर भी वो अलग अलग तरह की डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं. ओके, तो वो लोग जिनको एडवेंचर का फॉन्ड होता है, शौक होता है, वो क्या क्या करते हैं? ऊंचे ऊंचे माउंटेंस की ट्रैवल करते हैं, डिस्टेंट लैंड, दूर जो भूमि है, जो मतलब हम बोलते हैं जिनको जंगल टाइप की, ओके, वहाँ पर भी वो ट्रैवल करते हैं. और रफ सीज, ख़राब मौसम में भी वो समुद्र की यात्रा करते हैं. डिस्कवर डेंजरस जंगल्स, जो खतरनाक जंगल होते हैं, घने जंगल होते हैं, उनमें भी वो अलग अलग तरह की डिस्कवरीज करते हैं, वह ट्रैवल करते हैं. दीज पीपल लव टू फेस हार्डशिप्स एज दे आर बोर्न विद द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. इन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनके अंदर एक स्पिरिट है, जोश है. किस बात का? एडवेंचर का, साहसिक कार्य करने का उनके अंदर जोश है. इसलिए उनको कठिनाइयों का सामना, हार्डशिप बोलते हैं कठिनाइयों को, इसलिए उनको कठिनाइयों का सामना करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उनको अच्छा लगता है. अब हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है माउंटेनियरिंग. ओके, माउंटेनियरिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्वतारोहण. ओके, पर्वत की जब ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, उस पूरी यात्रा को क्या बोलते हैं? माउंटेनियरिंग, या फिर हिंदी में बोलते हैं पर्वतारोहण. ओके, सो माउंटेनियरिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ अ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडवेंचर. पर्वतारोहण यानी पर्वत के ऊपर चढ़ना और पर्वत के ऊपर क्लाइंबिंग, वो सेम थिंग है. माउंटेनियरिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग सेम थिंग है. तो पर्वत के ऊपर चढ़ना ये बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर, मतलब लोकप्रिय एडवेंचर है, एक बहुत ही लोकप्रिय साहसिक कार्य है. एडवेंचर स्पॉट, ये एक तरह का एडवेंचर साहसिक खेल है, इसको बोलते हैं साहसिक खेल है. देयर आर मैनी माउंटेन रेंजेस इन इंडिया. भारत में बहुत तरह की पर्वतीय श्रृंखला है. रेंजेस बोलते हैं श्रृंखला को, बहुत पर्वतीय श्रृंखला है. एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू इंडिया फॉर माउंटेनियरिंग. और संसार के अलग अलग हिस्सों से लोग इंडिया में आते हैं पर्वतारोहण करने के लिए या माउंटेनियरिंग करने के लिए. देर आर मैनी इंस्टीट्यूशंस दैट ट्रेन पीपल फॉर द डिफ़िकल्ट एडवेंचर. इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी है जो लोगों को क्या सिखाते हैं? ट्रेन पीपल, जो लोगों को ट्रेंड करते हैं फॉर द डिफ़िकल्ट एडवेंचर, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट साहसिक कार्यों के लिए वो लोगों को ट्रेन करते हैं. कौन करते हैं? इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूट भी होते हैं, संस्थाएं भी होती है. द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड हिमालय, जैसे कि फर्स्ट नेम आया है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ
नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड नेक्स्ट पेज देखिए एंड हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये टू नेम्स आए हैं। वो क्या करते हैं, आर टू इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, ये दो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है वेयर पीपल कैन गेट ट्रेंड, जहाँ पे लोग ट्रेनिंग लेते हैं टू बिकम प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग, प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग बनने के लिए जो टू नेम्स अभी मैंने बताए इंस्टीट्यूट के, वहाँ पर लोग ट्रेनिंग लेते हैं। किस बात की, पर्वतारोहण की, जिसको बोलते हैं माउंटेनियरिंग की। इन सम स्कूल्स एंड एडवेंचर कैंप्स चिल्ड्रन आर ट्रेंड फॉर माउंटेनियरिंग ऑन आर्टिफिशियल रॉकी सरफेस। आजकल क्या होता है, कुछ स्कूलों में या फिर कुछ एडवेंचर कैंप लगाए जाते हैं, साहसिक कैंप लगाए जाते हैं, जिनमें बच्चों को भी ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है क्या माउंटेनियरिंग करना, पर्वतारोहण करना ऑन आर्टिफिशियल रॉकी सरफेस। वहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल रॉकी सरफेस चट्टाने बनाई जाती हैं, जिनके ऊपर बच्चों को भी सिखाया जाता है पर्वत के ऊपर कैसे चढ़ा जाता है या माउंटेनियरिंग करना। माउंटेनियरिस ऑफन प्लेस देयर नेशनल फ्लैग ऑन द स्पॉट वंस दे रीच द समिट। जैसे ही जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोही किनको बोलते हैं, जो पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं, ओके, जैसे ही पर्वतारोही अपनी गोल के ऊपर, मतलब जैसे ही वो पर्वत की चोटी के ऊपर पहुंचते हैं, वो क्या करते हैं, अपने नेशनल फ्लैग को वहां पे प्लेस करते हैं, लगाते हैं, ओके। ऑफन प्लेस देयर नेशनल फ्लैग ऑन द स्पॉट वंस दे रीच द समिट। जैसे ही वो चोटी के ऊपर पहुंचते हैं, वे वहां पे अपने नेशनल फ्लैग को वहां पे क्या करते हैं, लगाते हैं। दैट इज द माउंटेन पीक, समिट मतलब जिसको बोलते हैं पर्वत की चोटी। तो जैसे ही वो लोग पर्वत की चोटी पे पहुंचते हैं, वो क्या करते हैं, अपने नेशनल फ्लैग को वहाँ पे लगाते हैं। दे डू दिस टू शो देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो अपने देश के प्रति अपनी रेस्पेक्ट को दिखाते हैं, अपने सम्मान को दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, वो अपने नेशनल फ्लैग को पर्वत की चोटी पे क्यों लगाते हैं, वो अपने कंट्री के लिए अपने प्रेम को, अपने रेस्पेक्ट को दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अदर एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़। अब हम देखते हैं माउंटेनियरिंग के अलावा अनदर एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है। ओके, सो फर्स्ट आती है राफ्टिंग। ओके, राफ्टिंग जिसको बोलते हैं, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक बोट के जैसी होती है, मीन्स ये एक छोटा बोट ही होता है जिसको रिवर या फिर जो ओशन होता है उनके अंदर चलाया जाता है। ओके, और ये एक तरह की इसके द्वारा कुछ रेसेस भी की जाती है। ओके, तो ये भी एक तरह का क्या है, माउंटेनियरिंग है, ये भी एक तरह का एडवेंचर है, साहसिक कार्य है। सो अब हम पढ़ते हैं राफ्टिंग के बारे में। राफ्टिंग इज डन ऑन अ रिवर। राफ्टिंग एक नदी के ऊपर की जाती है, वेयर द वाटर हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग करेंट्स, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा उफान में होता है, करंट में होता है, मीन्स पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती है। तो जिन नदियों में या समुद्र में जो क्या होता है, पानी तेज रफ्तार से बहता है या फिर वहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, वहाँ पर राफ्टिंग की जाती है। ओके, Rafts are used to move ahead, overcoming the force of water. जो rafts होते हैं, means इनको बोलते हैं, एक तरह से ये boat होते हैं, तो जो boat होते हैं वो use में लिए जाते हैं move ahead, आगे की तरफ बढ़ने में, overcoming the force of water, और पानी की जो ऊंची ऊंची लहरें हैं उनको पार करने में। ओके, पानी की जो ऊंची ऊंची लहरें हैं उनको पार करने में, उनके ऊपर तैरने में किसका यूज़ में लिया जाता है, ये एक तरह का बोट होता है जिसको यूज़ में लिया जाता है। इमेजिन हाउ एक्साइटिंग इट वुड बी टू डाइव डीप अंडर वाटर एंड वॉच वेराइटीज ऑफ कलरफुल फिशेज एंड द रेयरेस्ट ऑफ कोरल रीफ्स इन द वर्ल्ड। इमेजिन कीजिए ये कितना ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, उत्तेजनाजनक होगा। इट वुड बी टू डाइव डीप अंडर वाटर, गहरे पानी के अंदर क्या करना, नीचे तक जाना, उसके अंदर जो हमारी बोट होती है उसको लेके नीचे तक उसमें डीप करना, डाइव करना, के नीचे की तरफ जाना। एंड वॉच वेराइटीज ऑफ कलरफुल फिशेज, और जब हम पानी के नीचे में गहराई में जाते हैं तो क्या देखते हैं हम, वेराइटीज ऑफ कलरफुल फिशेज, अलग अलग
अलग अलग कलरफुल हम फिशेस देखते हैं, मछलियाँ देखते हैं एंड द रेयरेस्ट ऑफ कोरल रीफ्स, और कोरल रीफ्स जिनको हिंदी में बोलते हैं मूंगे की चट्टाने, ओके। तो इस तरह की जो ये चट्टाने होती है वो समुद्र के नीचे ही होती है, उनके बॉटम में होती है, पैंदे में होती है। तो हम समुद्र के बॉटम में क्या देखेंगे, कलरफुल फिशेस देखेंगे एंड रेयरेस्ट मतलब वो बहुत ज़्यादा रेयर होती है, दुर्लभ होती है। दुर्लभ क्या होती है, मूंगे की चट्टाने जिनको इंग्लिश में बोलते हैं कोरल रीफ्स। तो जैसे ही हम पानी के अंदर डाइव करेंगे, पानी के अंदर जाएंगे गहराई में, तब हम कलरफुल फिशेस देखेंगे और जो ये कोरल रीफ्स है उनको देखेंगे। डाइविंग इन द डीप ओशियन वाटर्स, डाइविंग इन द डीप ओशन वाटर्स टू वॉच द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ मैरिन लाइफ। जैसे ही हम पानी के अंदर जाते हैं हमें फैसिनेटिंग बोलते हैं आकर्षक, ओके, मैरीन लाइफ बोलते हैं पानी के अंदर जो लाइफ होती है, मतलब पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनको बोलते हैं मैरीन लाइफ। तो पानी के अंदर जो रहने वाले जीव जंतु हैं हम उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। इट इज़ कॉल्ड स्क्यूबा डाइविंग, और इसको क्या बोलते हैं, पानी के अंदर तक जाने को स्क्यूबा डाइविंग, ओके, समझ में आया। जैसे ही हम गहरे समुद्र के नीचे तक जाते हैं हम वहाँ पे क्या देखेंगे, फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ मैरीन लाइफ, वहाँ की जो पानी में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी लाइफ जो कितनी सुंदर होती है हम उनको देखेंगे। और इस डाइविंग को क्या बोलते हैं, स्क्यूबा डाइविंग। दिस काइंड ऑफ एडवेंचर स्पॉट नीड प्रॉपर ट्रेनिंग, इस तरह के एडवेंचर स्पॉट्स के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की नीड होती है, ओके। प्रॉपर ट्रेनिंग की नीड क्यों होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है एंड ये थोड़ा डेंजरस भी है, क्यों, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कोई भी पानी की गहराई तक नहीं जा सकता है, ओके। उसके लिए फुली उनको ऑक्सीजन पंप्स लगाने होते हैं, पूरी तरह से अपने फेस बॉडी को कवर करना होता है और अलग तरह की कॉस्ट्यूम उनको पहनाई जाती है और उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, ओके। तो बिना ट्रेनिंग के स्क्यूबा डाइविंग हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, हैव यू एवर वॉक्ड माइल्स एंड माइल्स ऑन अ हिल स्टेशन, क्या कभी आप हिल स्टेशन पे मीलों मीलों दूर तक चढ़े हो या फिर गए हो। क्रॉसिंग थिक ग्रोथ ऑफ ट्रीज, क्या आपने कभी गहरे जो जंगल होते हैं जहाँ पे बहुत घने घने पेड़ होते हैं, क्या आपने कभी उनको क्रॉस किया है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रैकिंग, ओके, जंगल को क्रॉस करना, जंगल के क्रॉस करने को क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग। वन कैन गो ट्रैकिंग एंड एन्जॉय द फॉरेस्ट लाइफ, हम में से कोई भी ट्रैकिंग के लिए जा सकता है, मीन्स जंगल को, जंगल में अगर हमें घूमना है तब हम कोई भी जंगल में घूमने के लिए जा सकते हैं और फॉरेस्ट को एन्जॉय कर सकते हैं, फॉरेस्ट लाइफ को एन्जॉय कर सकते हैं एंड इट्स फ्लोरा एंड फ्योना। फ्लोरा एंड फ्योना बोलते हैं स्टूडेंट्स, फ्लोरा बोलते हैं जंगल जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पर अलग अलग क्या होते हैं, श्रब्स एंड हर्ब्स होते हैं, ओके। वहाँ पे जो छोटे छोटे श्रब्स एंड हर्ब्स होते हैं, वनस्पति होती है, उनको बोलते हैं फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं। वहाँ जंगल में, फॉरेस्ट में रहने वाले जो अलग अलग तरह के पशु पक्षी होते हैं उनको बोलते हैं फौना, ओके। तो जैसे ही हम जंगल में जाएंगे वहाँ के फ्लोरा एंड फौना को भी एन्जॉय करेंगे। वी मे डिस्कवर सम वेरी ब्यूटिफुल साइट्स, हम बहुत ही सुंदर दृश्यों का भी हम एन्जॉय कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। एंड सीन्स, वी मे डिस्कवर सम वेरी ब्यूटिफुल साइट्स एंड सीन्स वाइल ट्रैकिंग, जब हम जंगल में जाते हैं तो सुंदर सुंदर जो सीन होते हैं और जो साइट होते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, खोज सकते हैं। ट्रैकिंग इक्विपमेंट एंड टेंट्स आर अवेलेबल ऑन हायर एट मोस्ट हिल स्टेशंस, मोस्ट ऑफ हिल स्टेशन पे ट्रैकिंग करने के जो इक्विपमेंट होते हैं, ओके, जो औजार होते हैं वो एंड जो टेंट्स होता है वो हमें हायर कर सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ हिल स्टेशन पे हमें ये अवेलेबल कराए जाते हैं। पैराग्लाइडिंग, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड। पैराग्लाइडिंग इज एन एडवेंचर स्पॉर्ट्स इन विच अ पर्सन जंप्स फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और हाई प्लेस वियरिंग अ वाइड रेक्टेंगुलर स्टेरेबल पैराशूट। अब पैराग्लाइडिंग भी एक एडवेंचर साहसिक स्पॉर्ट है, एक तरह का बहुत ही ज़्यादा साहसिक खेल है। इन विच, इसके अंदर क्या होता है, अ पर्सन जंप्स, एक पर्सन होता है वो जंप करता है, कहाँ से करता है, या तो एक एयरक्राफ्ट से करता है या फिर किसी ऊंची जगह से,
किसी हाई प्लेस ऊंची जगह से वो जंप करता है, और उसने क्या पहन रखा होता है, वियरिंग अ वाइट वाइड चौड़ा और रेक्टेंगुलर शेप का स्टेबल बोलते हैं, मैनेजेबल, जो क्या कहते हैं उसको, हम कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, मोड़ के उसकी कोई भी हम शेप बना सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टेरेबल पैराशूट. ओके, तो जो पर्सन किसी ऊंची जगह से या फिर एयरक्राफ्ट से जंप करता है वो क्या पहनता है, वाइड रेक्टेंगुलर स्टेरेबल पैराशूट. उसने पैराशूट पहना होता है जो मैनेजेबल होता है, वो कैसे भी मुड़ सकता है, और रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल शेप का होता है और वाइड चौड़ा होता है. आप पिक्चर में देख रहे हैं इस पैराशूट को, सेम वैसा ही होता है. दे आर अकम्पनीड बाई ट्रेंड पैराग्लाइडर्स, और वो जो लोग जंप करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, उनके साथ ट्रेनर भी होते हैं. ओके, दे आर अकम्पनीड बाई ट्रेंड पैराग्लाइडर्स, और उन जो लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं वो अकेले नहीं करते हैं, उनके साथ ट्रेंड पैराग्लाइडर्स भी होते हैं. वो लोग जो इन पैराग्लाइडिंग में एक्सपर्ट होते हैं वो उन लोगों के साथ होते हैं, वरना अकेले कोई भी पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकता है. इट्स अ वेरी रिस्की स्पॉट. ओके स्टूडेंट्स, सो हमने 2 पेजेस पढ़ लिए हैं इस चैप्टर के. इन 2 पेजेस की आपको अच्छे से रीडिंग लगानी है. 131 एंड 132 हमारे कंप्लीट हो गए हैं. इन 2 पेजेस की आपको अच्छे से रीडिंग लगानी है. नेक्स्ट पेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.